गर्मी आ चुकी है, सन बिल्कुल पीक पे है, बाहर निकलेंगे आप तो सन टैन हो जाएगा, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, बट बिना बाहर निकले भी काम तो नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत बढ़िया सा फेस पैक जो आपके सन टैन को, आपकी डल स्किन को, पिगमेंटेशन को, रिंकल्स को, इन सारी चीज़ों को क्योर करने में मदद करेगा। अगर आपको धूप से प्रॉब्लम हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, तो ये आपकी स्किन को हील करने में मदद करेगा, आपकी स्किन को ठंडा रखेगा, सन से जो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है उसे हील करने में भी मदद करेगा। और अगर आप इसका रेगुलर एप्लीकेशन करते हैं वंस या ट्वाइस अ वीक, तो आपको सन डैमेज नहीं होने पाएगा, कोई भी सन टैन नहीं होने पाएगा, और जितनी भी यूवी रेस से आपको हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें भी दूर रहेंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत बढ़िया सा इजी सा फेस पैक जिसे आप समर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन से आपकी स्किन की हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। स्किन जो डैमेज हो गई है डस्ट से, पोल्यूशन से, सन से, स्पेशली गर्मियों में जिनकी ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, बहुत ज़्यादा पिंपल और एक्ने के मार्क्स हो जाते हैं, स्किन में क्लॉग्ड पोर्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन, रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, उन सारी चीज़ों को ये दूर रखता है। तो चलिए बताती हूँ किस तरह से आपको इस फेस पैक को बनाना है। सो गाइज, आपको लेना है एक मिक्सिंग बोल और इसमें हम सबसे पहले इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। आप घर पर भी बना सकते हैं और रेडीमेड ले सकते हैं। 2 स्पून लिया है मैंने राइस फ्लावर। और इसके बाद हमें ऐड करना है हनी। अगर आपके पास रॉ हनी है, वेल एंड गुड, रॉ हनी ऐड करिए या जो भी हनी है उसे ऐड कर लीजिए, 1/2 चम्मच। इसके बाद हमें ऐड करना है रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। अगर आपको रॉ मिल्क सूट नहीं करता है तो आप नॉर्मल मिल्क ले सकते हैं। कच्चा दूध लेंगे तो अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट की तरह बना लेना है। और ये हमारा बढ़िया सा स्क्रब कह सकते हैं, आप फेस पैक कह सकते हैं, ऑल इन वन आपका ये फेस पैक बनके तैयार है। चलिए बताती हूँ इसे कैसे अप्लाई करना है। अपने क्लीन फेस पे आपको इसे पहले जेंटली अप्लाई करना है ऑल ओवर योर फेस, जिस तरह से आप फेस पैक लगाते हैं बिल्कुल इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है। इसके बाद मैं इसे क्विक मसाज दूंगी 1 to 2 मिनट्स, जिस तरह से आपके चेहरे की स्क्रबिंग हो जाए। चावल का आटा आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करता है, स्किन को टाइट, ब्राइट एंड फर्म बनाता है। साथ ही साथ मैंने इसमें यूज़ किया है हनी, जिसमें होती हैं इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। ये आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है और स्किन को एक्ने पिंपल से दूर रखता है। साथ ही मैंने यूज़ किया है रॉ मिल्क, जो होता है एक्सेलेंट क्लेंजर। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है, स्किन से सारे टैनिंग को हटाता है, स्किन को ब्राइट एंड फर्म बनाता है, साथ ही साथ एजिंग साइंस को आपकी स्किन से दूर रखता है। अब 1 से 2 मिनट के बाद जब आपने मसाज कर लिया है, आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल हो गई है, क्योंकि सारी डेड स्किन की लेयर रिमूव हो चुकी है। स्किन को मैं अपलिफ्ट भी कर रही हूँ, साथ ही साथ अपलिफ्टिंग मसाज भी दे रही हूँ, और डेड स्किन भी रिमूव हो गई है और मेरा पैक बिल्कुल ड्राई सा हो गया है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि दोबारा से इसे रीअप्लाई करना है एज अ फेस पैक। दोबारा से रीअप्लाई करके आप 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें और उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लें। आपके चेहरे की स्क्रबिंग भी हो गई है और साथ साथ इसके सारे बेनिफिट्स भी अब मिलने वाले हैं फेस पैक के फॉर्म में। तो 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए, उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद इमिजिएटली आपको अपनी स्किन सॉफ्ट नज़र आने वाली है, क्योंकि डेड स्किन रिमूव हो गए हैं, कहीं से भी ड्राइनेस, फ्लेकीनेस नहीं नज़र आएगा, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड सपल नज़र आएगी, ब्राइटन अप नज़र आएगी। यू आर गुड टू गो नाउ, इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। सो आई होप गाइज, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बढ़िया सा फेस पैक पसंद आया होगा। अपनी स्किन को पैम्पर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं इस फेस पैक से। हफ्ते में 1 बार लगाइए या 2 बार लगाइए। स्किन अगर रफ एंड ड्राई हो गई है, स्किन डैमेज हो गई है, सन टैन हो गई है, सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। और एटलीस्ट वीक में 1 दिन तो आप निकाल ही सकते हैं अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए। तो स्किन की सारी प्रॉब्लम से अगर आपको दूर रहना है तो सबसे पहले धूप से दूर रहिए। धूप से दूर नहीं रह जाता तो सनब्लॉक यूज़ करिए और उसके बाद फेस पैक को यूज़ करिए, ताकि स्किन आपकी डैमेज नहीं होने पाए। और अगर आपका बाहर आना जाना नहीं होता है तो भी आप एज अ रूटीन इसे फॉलो कर सकते हैं 1 वीक या फिर 2 वीक। ओपन पोर्स, क्लॉग्ड पोर्स, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम आपको कभी होगी ही नहीं। ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। आज की वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक एंड शेयर किया करिए। और मेरे चैनल पे आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।